नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 11वीं बायोलॉजी के जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय 2 के भाग 3 के बारे में पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। मोनेरा जगत में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना है और एक कोशिकीय है। वहीं बात करते हैं नील हरित शैवाल। शैवाल, जितने भी शैवाल होते हैं उनको पादप जगत में रखा जाता है क्योंकि शैवाल जो है बहुकोशिकीय है, और अगर एक कोशिकीय है तो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए उन्हें पादप जगत में रखा गया है। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है और एक कोशिकीय है, इसलिए इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय तंतुवत संरचना होती है, और यह प्रकाश संश्लेषी होता है, मतलब कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है क्योंकि इसके अंदर थाइलेकोइड पाया जाता है। ग्राम निगेटिव होता है। इसी के बाद यह साइनोबैक्टीरिया जो है तालाब, नदी, पोखर, नम भूमि में पाए जाते हैं। साथ ही साइनोबैक्टीरिया जो है कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइजर में भी उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके बाद इनमें जो केंद्रक और अन्य कोशिकाओं का अभाव होता है। इनके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना, ये इसके एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया की संरचना की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है इसके चारों ओर एक जो है झिल्ली भित्ति पाई जाती है। इस भित्ति को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है सेलुलोज से निर्मित होती है। वही बात करें सेल वॉल के अंदर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसको बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, रंगहीन पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसके कोशिका द्रव्य के अंदर क्रोमोसोम मतलब कि जो डीएनए के छल्ले के समान संरचना पाई जाती है, थाइलेकोइड पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फूड रिजर्व ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के कण और राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो मध्य में होता है और इसके चारों तरफ जो है थाइलेकोइड की झिल्लियां पाई जाती है। थाइलेकोइड जो है क्लोरोफिल वर्णक युक्त होती है और ये साथ ही प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है थाइलेकोइड में संपन्न होती है और यहीं से इसे जो है फूड मिलता है। यह स्वपोषी होता है मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारक मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, जो कृषि के क्षेत्र में उपयोगी है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसा एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनिमा, ये सभी वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और उसे पौधे उपयोग में लाते हैं। इसी प्रकार क्षारी भूमि जो होती है उसमें भी सुधार करने में साइनोबैक्टीरिया अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो पानी को दूषित करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका, माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका जो है वो वाटर ब्लूम का निर्माण करते हैं, मतलब जल के अंदर जो है वाटर ब्लूम बनाते हैं। मतलब जैसे जल जो है, पानी जो है एकदम हरा हरा होने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई कण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हरा हरा दिखाई देता है, मतलब वाटर ब्लूम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार साइनोबैक्टीरिया जल को प्रदूषित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा जगत में रखा गया है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह एक कोशी की जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। साथ ही माइकोप्लाज्मा के चारों ओर सेल वॉल का अभाव होता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा अपना आकार हर समय बदल सकता है क्योंकि इसके चारों ओर सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल जो है किसी भी जीव को आकार यानी एक कोशी की जीव को आकार प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। साथ ही इसे वायरस और बैक्टीरिया का मध्यवर्ती कहा जाता है। ये भी ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये मनुष्यों में प्लूरोनिमोनिया और श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। माइकोप्लाज्मा की संरचना की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के चारों ओर जो झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है उसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें सेल वॉल का अभाव होता है। साथ ही इसके अंदर जो है
जेली के समान पदार्थ पाया जाता है, पारदर्शी रंगहीन पदार्थ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य के अंदर डीएनए, सोल्यूबल आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, कुछ सोल्यूबल प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। ये इसके अंदर जो डीएनए होता है, इस डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसलिए इसका डीएनए जो है तंतुवत रूप में पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल का अभाव होने के कारण यह अपना आकार लगातार बदल सकता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वह सेल मेम्ब्रेन जो है थ्री लेयर से, मतलब तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब हम बैक्टीरिया में जनन के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है? जीवों में अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो इस क्षमता को जनन कहते हैं। जीवों का अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब देखा जाए तो समस्त जीव, जितने भी जीव होते हैं, सभी में जनन होता है और अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे बैक्टीरिया में जनन की बात करें तो बैक्टीरिया में मुख्यतः दो प्रकार का जनन होता है, वर्धी जनन और अलैंगिक जनन। बाद में वैज्ञानिकों ने इसमें लैंगिक जनन भी खोजा। तो वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम बैक्टीरिया में वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि कोई भी गेमिट भाग नहीं लेता है, और जो है जीव का कोई भी भाग जो है नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता है, या तो बाइनरी फिजन द्विखंडन द्वारा या बडिंग या मुकुलन द्वारा। बाइनरी फिजन या द्विखंडन के अंतर्गत बैक्टीरियल सेल जो है सबसे पहले पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती है। इसी के साथ इसके अंदर जो डीएनए होता है और साथ ही इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डबल होता है, मतलब कि अपनी संख्या में वृद्धि करके डबल मात्रा में हो जाता है, डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, और साथ ही इसकी जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है इसमें एक बीच में से खाँच निर्मित होती है। यह खाँच जो है परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती है, जो केंद्र की ओर बढ़ते समय यह जो सेल वॉल है ये एक दूसरे से जब मिल जाती है तो एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो जाती है, और दोनों तरफ साइटोप्लाज्म और डीएनए की मात्रा बराबर पहुंच जाती है। इस प्रकार एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल का निर्माण हुआ है, इसे द्विखंडन कहते हैं। बडिंग या मुकुलन के अंतर, जैसे कि प्लांट में कलिका निकलती है और कलिका आगे वृद्धि करके तने का निर्माण करता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में सबसे पहले बड या मुकुलन का निर्माण होता है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के फ्लैजिला की साइड पर एक बड का निर्माण होता है, ये बड का निर्माण हो रहा है कलिका का, और ये बड का धीरे धीरे आगे की ओर वृद्धि करती जाती है, और साथ ही इसके अंदर साइटोप्लाज्म और डीएनए जो है इस बड के अंदर भी जाने लगता है, और ये जो बड है आगे नए बैक्टीरिया को जन्म देते थे। इस प्रकार से फिर अगला बैक्टीरिया, उसमें बडिंग के माध्यम से नए बैक्टीरिया का जन्म होता है। इस प्रकार एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया बडिंग के माध्यम से बन सकते हैं। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन, बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन जो है अंत बीजाणु द्वारा हो सकता है। अंत बीजाणु क्या है? अंत बीजाणु के बारे में पढ़ते हैं। जब बैक्टीरिया जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रवेश करता है तो उसे न तो पोषण मिल पाता है या उचित परिस्थितियां नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में बैक्टीरिया में अंत बीजाणु का निर्माण होता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया का जो जीवद्रव्य होता है उस जीवद्रव्य के चारों ओर दृढ़ भित्ति का निर्माण हो जाता है, इस भित्ति को हम बोलते हैं सिस्ट। इस प्रकार से अंत बीजाणु बनता है। यह जो स्थिति है बेसिलस कुछ प्रकार के कोकाई इनमें होती है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती है तो उस दौरान जो है बैक्टीरिया जल को अवशोषित कर लेता है, इसके जीवद्रव्य में जल मिल जाता है, और यह बैक्टीरिया का जो सिस्ट है यह फूल जाता है। फूलने के बाद इसके सेल वॉल फट जाती है और साथ ही जीवाणु कोशिका से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से अंत बीजाणु के माध्यम से जो है बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है। अंत बीजाणु की स्थिति में जो है बैक्टीरिया बहुत अधिक प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट हो जाता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया पर गर्म जल, बर्फ या रासायनिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं अंत बीजाणु की संरचना। अंत बीजाणु की संरचना में क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर का जो इस अंत बीजाणु के चारों ओर का आवरण जो है एक्सोस्पोरियम कहलाता है।
अब एक्सोस्पर्म के बाद वाले पार्ट को बोलते हैं स्पोर कॉर्ड। स्पोर कॉर्ड जो है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है पेप्टिडोग्लाइकेन और कैल्शियम डाइपिकोलिक अम्ल से मिलकर बना होता है, जो कि बैक्टीरिया को अंदर की ओर सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ अगली जो वॉल होती है उसको बोलते हैं स्पोर वॉल। स्पोर वॉल जो है नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद जो है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है। इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से एंडोस्पोर जो है मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों से कई सालों तक सुरक्षा प्रदान होती है, और जो अनुकूल परिस्थितियां आती है उस दौरान बैक्टीरिया जो है पोषण ग्रहण कर, जल को ग्रहण कर इन सभी लेयर को तोड़ देता है और अंदर से बैक्टीरिया नए जीव के रूप में बाहर आ जाता है। इस प्रकार से अंतःबीजाणु द्वारा बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन होता है और नए बैक्टीरिया का जन्म होता है। इसके अलावा अलैंगिक जनन बैक्टीरिया में कोनिडिया द्वारा, चल बीजाणु द्वारा या पुटी द्वारा, शिष्ट निर्माण द्वारा भी हो सकता है। अब हम बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में जीव के अंदर नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, उनमें निषेचन होता है और नए जीव का जन्म होता है। इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। पहले यह माना जाता था कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन बाद में लेडरबर्ग और टोटम ने 1950 में बैक्टीरिया में लैंगिक जनन की खोज की। बैक्टीरिया में युग्मक निर्माण, केंद्र की संगलन और असूत्री विभाजन नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें असूत्री विभाजन होता है। अब बाद में वैज्ञानिकों ने इसमें अनुवांशिक पुनर्योजन और स्थानांतरण को निम्न प्रकार से खोजा। यह तीन विधियों के माध्यम से हो सकता है, या तो संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, या पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन के माध्यम से लैंगिक जनन हो सकते हैं। संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन के बारे में, संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज जो है लेडरबर्ग और टॉटम ने 1946 में की थी। अब इन्होंने यह खोज जो है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई में ई का पूरा नाम है इस्चिरिचिया, इस्चिरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की K12 स्ट्रेन, K12 प्रभेद में यह खोज की थी। इन्होंने इस प्रकार के दो बैक्टीरिया लिए। अब इनके खोज का विस्तृत अध्ययन जो है वॉलमैन और जेकॉब ने 1956 में किया था। इस प्रकार की जो प्रयोग में इन्होंने दो बैक्टीरिया लिए, इनमें से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में अनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, और जिस बैक्टीरियल सेल से अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है उसे दाता कोशिका, मेल सेल यानी कि नर कोशिका, या एफ प्लस स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और जिस कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ आता है उसे ग्राही कोशिका या फीमेल सेल, मादा सेल, या उसे एफ माइनस स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक सेल जो है एचएफआर सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल है, मतलब इसके अंदर से अनुवांशिक पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं। ये नॉर्मल सेल है। इस प्रकार से इन दोनों ही सेल मतलब बैक्टीरियल सेल के बीच में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के लिए इनमें एक कॉन्जुगेटिव ट्यूब का निर्माण हुआ है। हमने बैक्टीरिया की संरचना में पिलाई के बारे में पढ़ा है। उनमें सेक्स पिलाई होती है और इन पिलाई आपस में मिलकर जो है एक ट्यूब का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव ट्यूब। और इस कॉन्जुगेटिव ट्यूब के माध्यम से एक बैक्टीरिया से जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कॉन्जुगेटिव ट्यूब के माध्यम से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंटर करते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल दाता कोशिका से अनुवांशिक पदार्थ जो है ग्राही कोशिका में चले गए। अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेटिव ट्यूब धीरे धीरे अनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर होने के बाद बंद होने लगती है और दोनों बैक्टीरिया फिर अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों ही बैक्टीरिया में जो है अनुवांशिक जो पदार्थ का ट्रांसफर हुआ, इस बैक्टीरिया मतलब दाता कोशिका से अनुवांशिक पदार्थ जो है ग्राही कोशिका में चले गए और ग्राही कोशिकाओं के अंदर भी दाता कोशिका के समान गुण आ गए हैं। इस प्रकार से दोनों ही बैक्टीरिया के मध्य कॉन्जुगेशन के माध्यम से लैंगिक जनन संपन्न हुआ है। अगला लैंगिक जनन बैक्टीरिया में पढ़ते हैं हम रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की खोज जो है ग्रिफिथ ने 1928 में की थी।
इन्होंने किस बैक्टीरिया में की थी? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है न्यूमोनिया रोग या श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। और इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी की दो स्ट्रेन ली, T3 स्ट्रेन और T2 स्ट्रेन। T3 स्ट्रेन जो है कैप्सुलेटेड है और वायरुलेंट है, मतलब कि यह रोग इनमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और T2 स्ट्रेन जो है नॉन कैप्सुलेटेड, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है, मतलब कि यह कोई रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। रूपांतरण की खोज जो है ग्रिफिथ ने की, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन जो है एवेरी मैक्लियोड और मैकॉर्थी, एवरी मैक्लियोड और मैकॉर्थी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें इन्होंने चूहों पर इस प्रकार से प्रयोग किया, इन्होंने लिविंग जो है T3 स्ट्रेन जो थी, जिनमें जो कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट थे, जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे, उन उन बैक्टीरिया को लिया और उन्हें जीवित चूहों के अंदर इंटर कराया इंजेक्शन के माध्यम से। जैसे ही चूहों के अंदर इंटर कराया तो वो चूहे क्या हो गए? मर गए, मतलब कि उनके अंदर न्यूमोनिया रोग हो गया और वे सभी मर गए। इसके बाद इन्होंने अगला प्रयोग किया कि जितने भी T2 स्ट्रेन थे, नॉन कैप्सुलेट और नॉन वायरुलेंट, जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, उनको लिया और इंजेक्शन के माध्यम से सभी चूहों के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराया। जैसे ही चूहों के अंदर प्रवेश कराया इन बैक्टीरिया को, चूहे जो है सभी जीवित रहे क्योंकि उनके अंदर न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ। अब इन दोनों ही प्रयोग में, एक में इन्होंने T3 स्ट्रेन जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उनको इंटर कराया तो चूहे मर गए, और दूसरे में इन्होंने नॉन वायरुलेंट मतलब जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, उन बैक्टीरिया को चूहों में इंटर कराया तो चूहे जीवित रहे। अब अगले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि T3 स्ट्रेन वायरुलेंट, जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, उसको हीट किल्ड कर दिया, मतलब कि उसको गर्म करके उसको मार दिया, और गर्म करने के बाद मार दिया और मरे हुए जो बैक्टीरिया है उसको इस चूहे के अंदर इंटर कराया। तब सभी चूहे क्या थे? जीवित थे, मतलब एक भी चूहा मरा नहीं, उसमें निमोनिया रोग नहीं हुआ। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया अगले प्रयोग में कि जो हीट किल्ड T3 स्ट्रैंड है, हीट किल्ड T3 स्ट्रैंड है उसको, और जो है लिविंग T2 स्ट्रैंड जो वायरुलेंट या कैप्सुलेटेड है, इन दोनों को मिलाया और दोनों के मिश्रण को एक साथ मिलाने के बाद इंजेक्शन के माध्यम से चूहे के अंदर इंटर कराया, तो इन्होंने देखा कि सभी चूहे फिर से निमोनिया रोग हुआ और फिर से मर गए। अब इन्होंने आगे जो चूहे मरे थे तो उनके टिश्यू का एनालाइज किया, मतलब टिश्यू को देखा उन पर, उनके अंदर जब देखा तो उनके अंदर इन्होंने पाया कि इसके अंदर T3 स्ट्रैंड के समान बैक्टीरिया देखे गए। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जब इन्होंने मरे हुए हीट किल्ड जो है T3 स्ट्रैंड को जो है जीवित T2 स्ट्रैंड के साथ मिलाया, तो हीट किल्ड T3 स्ट्रैंड के जो अनुवांशिक पदार्थ थे वो जो है लिविंग T2 स्ट्रैंड के अंदर गए, और अनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर होने के बाद इन लिविंग जो है T2 स्ट्रैंड के अंदर T3 स्ट्रैंड के समान गुण आ गए, और गुण आने के बाद इनके अंदर भी वायरुलेंट पावर बढ़ गई और चूहे के अंदर इन्होंने निमोनिया रोग उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से इस रूपांतरण से यह स्पष्ट होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो है बैक्टीरिया में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होते हैं। अगला है पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। पारक्रमण या ट्रांसडक्शन की खोज जो है जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफी न्यूरियम, साल्मोनेला टाइफी न्यूरियम बैक्टीरिया में इसको देखा, और साथ ही बैक्टेरियोफेज के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण को समझाया। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियल सेल जो डोनर बैक्टीरियल सेल है उसे लिया, और इसके अलावा एक बैक्टेरियोफेज लिया। बैक्टेरियोफेज एक वायरस है, यह वायरस जो है इसके अंदर फेज डीएनए होता है, इसका खुद का प्रोटीन कोट होता है। यह फेज जो है बैक्टेरियोफेज यह बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, मतलब बैक्टेरियोफेज ऐसा वायरस है जो केवल और केवल बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करता है और उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार से बैक्टेरियोफेज और डोनर बैक्टेरियल सेल ली। अब इन्होंने बैक्टेरियोफेज को जो है डोनर बैक्टेरियल सेल के साथ मिक्स किया, मतलब बैक्टेरियोफेज ने डोनर बैक्टेरियल सेल पर अटैक किया और बैक्टेरियोफेज का जो डीएनए है वो डोनर के अंदर आ गया।
अब यहाँ पर डोनर बैक्टीरियल सेल्स का खुद का डीएनए भी है, तो इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए जैसे ही अंदर गया तो इसके अंदर से जो प्रोटीन एंजाइम गए उन्होंने जो बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो यहाँ पर एक तो फेज डीएनए एंड प्रोटीन है और साथ ही एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल डीएनए दोनों है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फेज डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों आपस में जुड़ गए, संयुग्मित हो गए, और फेज डीएनए और ये डोनर बैक्टीरियल सेल के डीएनए दोनों जुड़ने के बाद इस सेल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बने, और नए बैक्टीरियोफेज जब बने तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अधिक संख्या में बनने के कारण बैक्टीरियल सेल को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये जो बैक्टीरियोफेज है इससे मुक्त हो गए, बाहर आ गए। अब ये जो बैक्टीरियोफेज इस सेल को तोड़कर बाहर आए, मतलब कि ये जो बैक्टीरियोफेज जो है ये इस बैक्टीरिया के डीएनए को साथ में लेकर बाहर आ गए। अब ये अब अगले जो बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, अगले बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे, तो अगले बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे तो ये अपना जो अंदर का जो इसका डीएनए है जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी है और इस बैक्टीरिया का डीएनए भी है, इसको इसमें इंटर करा देंगे। तो ये जो इसमें फेज डीएनए और डोनर बैक्टीरिया का डीएनए दोनों आ गया, और साथ ही इसमें प्रोटीन भी आ गए, एंजाइम भी आ गए। तो इसी प्रकार से यही प्रक्रिया वापस दोहराते हैं, इसमें फिर से इस बैक्टीरिया का डीएनए टूटेगा और इसमें ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये वापस से इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जीन का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब डीएनए का ट्रांसफर हो जाएगा, और इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर कर सकता है।